हाँ, चीजें बहुत ज्यादा टॉक्सिक चल रही थी मेरी जिंदगी में, एंड यू नो इस कंट्रोवर्सी के बाद ऑलमोस्ट सारी चीजें खराब हो गई थी. बट आई डिड नॉट एक्सपेक्टेड कि सव्या इस कंट्रोवर्सी के कारण यू नो रिलेशनशिप तोड़ देगी. शादी ऑलमोस्ट फिक्स हो गई थी, सब कुछ ऑलमोस्ट फिक्स हो गया था, वो सब चीजें तोड़ देगी. एंड अब सोशल मीडिया पे आकर के कि यू नो मैंने उसका साथ छोड़ दिया. सव्या वो लड़की है गाइस जिसके लिए मैंने सब जगह स्टैंड लिया, अपनी फैमिली से बात करा, एंड एंड ऑफ द डे उसने शादी तोड़ी, उसने रिलेशनशिप तोड़ा, एंड उसके बाद मेरी फैमिली को अब्यूज करा, उन लोगों के साथ जाकर के मिल गई जिन लोगों से ये पूरी कंट्रोवर्सी चल रही थी, एंड मेरे पास सब चीज का मेल स्क्रीनशॉट है, एंड अब सोशल मीडिया पे आकर के कि यू नो आई लेफ्ट हर. आप मुझे बताओ यू नो जो लड़की मेरी फैमिली को इज्जत नहीं दे सकती, जो लड़की उन लोगों से जाकर के मिल गई जिनके बारे में वो दो हफ्ते पहले एक वीडियो बना रही थी कि ये मुझे ऐसा बोल रहे हैं वैसा बोल रहे हैं, तो इसने ना हर एक चीज के पैसे गिनाए मुझे, इसने गोप्रो दिया था, तो नाउ शी इज टेक्सटिंग मी मेलिंग मी कि भाई मैंने तेरी कोई औकात नहीं थी, मैंने तुझे गोप्रो गिफ्ट करा, मैंने तेरे लिए इतना खर्चा करा. आई डिडंट एक्सपेक्टेड कि ये सब चीजें पैसों पे आकर के होंगी, एंड एट द सेम टाइम ये वो लड़की है यू नो जो सोशल मीडिया पे दिखा रही कि आप संसार जीते ना. कल शाम को मेरी मम्मी को कॉल करके, मेरे पास उसकी ऑडियो कॉल रिकॉर्डिंग है गाइस, कि बोलती है यू नो आई एम सो सॉरी, आज के बाद मम्मी मुझे एक चांस दे दो, ये करूंगी वो करूंगी. इवन मेरे पास इसके कल शाम के मैसेजेस हैं कि सॉरी बेबी माफ कर दो, आज के बाद मैंने ब्रेकअप करा, मैं लाइक आज के बाद नहीं करूंगी, प्लीज एक चांस दे दो. आई एम जस्ट गोना पोस्टेड एवरीथिंग, बट सोशल मीडिया पे इतना फेक कि तुम मुझे अंदर ही अंदर टेक्स्ट करो कि प्लीज एक मौका दे दो, और ऑनलाइन आकर के कि आप संसार जीतिए ना. सब्य कितना फेक और कितना पैसा चाहिए नहीं लगा रहा था कि यू ब्रोक अप जस्ट टू गेन सिंपैथी पब्लिक से, कि पब्लिक के सामने एक दो बंदे टेक्स्ट करेंगे कि भाई छोड़ दिया. रियलिटी कम आ गई है गाइस, यू नो एंड टेल मी कि आप नहीं रह सकते यार उन लोगों के साथ जिन जो मतलब आपके दुश्मनों से जाकर के मिल जाए. अगर मुझे मुझे तो ये बात डाइजेस्ट ही नहीं हो रही कि भयंकर वो उन लोगों से जाकर के कैसे मिल गई जिन लोगों से इतना सारा कॉन्ट्रोवर्सी हुआ था, एंड फिर पैसा मांगना या सब कुछ करना और मेरी फैमिली को अब्यूज करना. दी एंड गाइस, तो यार दिस विल बी माई एंड स्टोरी इस पूरे मैटर पर, एंड लाइफ सबके पास है, सब आगे बढ़ते हैं. हमारा एक रिलेशनशिप था, आई एम सुपर ग्लैड, आई एम सुपर हैप्पी कि हम लोगों ने बहुत अच्छा टाइम बिताया, बट आई नेवर थॉट कि ऐसा कुछ होगा. तो प्लीज किसी को हेट मत देना, आई जस्ट वॉन्टेड कि रियालिटी बाहर आए, किसने ब्रेकअप करा, कौन किसने शादी तोड़ी, और फिर सोशल मीडिया पे सिंपैथी का ड्रामा. आई कुडंट बियर इट बिकॉज मैंने अपने माँ बाप से ना शादी की बात करके लास्ट ब्लॉग, गाइज इसने अपने सारे ब्लॉग्स प्राइवेट कर दिए, बट मैंने अपना लास्ट ब्लॉग शादी की डेट का डाला था, एंड दिस इज द एंड. आज के बाद दैट विल बी ओवर फ्रॉम माई साइड. आई एम गोना रिस्पॉन्ड, आई एम नॉट गोना रिस्पॉन्ड टू एनी वन एंड एनीथिंग.